अपना रास्ता चलूं तो कुछ दिनों में दाएं हो, कुछ बाएं हो, कुछ आगे हो, कुछ नीचे हो, मैं पीछे हूं, देखने वाले मुझे कुछ न समझे। तवाज़ो है ना, मेरी कोई बड़ाई जाहिर ना, वरना जो आगे चल रहा है उसके दिल में तो ये बात आएगी ना, मेरे तो पीठ के पीछे अल्लाह का रसूल है। लेकिन तरबियत किसने की? अल्लाह का रसूल ने की ना। तो अल्लाह के नबी की जो असहाब हैं, जो तरबियत हुई है उसी के तहत चलते हैं, उसी के तहत चलते, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज नापसंद है उसको नहीं करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दरमियान में चल रहे हैं, सहाबा किराम इर्द गिर्द हैं, कोई आगे कोई पीछे कोई दाएं कोई बाएं। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे कद के नहीं थे, पस्त कद भी नहीं थे, दरमियाना कद। हदीस में आता है बड़ा खूबसूरत कद, देखने में इंतहाई खूबसूरत, बड़ा मुतवाजन कद। ये आपके शुमार हैं, आप कैसे थे, आपकी आदत कैसी थी। हदीस में आता है इस दरमियाने पद के बावजूद भी जो इर्द गिर्द चल रहे हैं, बास तो सहाबा ऐसे लंबे लंबे पद के, लेकिन हदीस में आता है जब दरमियान में चल रहे हैं तो कुदरती तौर पर सबसे बुलंद रसूलुल्लाह नजर आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है ये? अल्लाह की तरफ से दी हुई बुजुर्गी, कुदरती तौर पर सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। आपकी शुमारी मुबारक। ये भी आता है कि जब आप तशरीफ फरमा होते हैं किसी के साथ बैठे हुए 10-20 आदमी बैठे हुए, तो कोई इम्तियाजी निशिस्त नहीं है, बल्कि जमीन पर बैठे हुए चारों तरफ बैठे हुए। हदीस में आता है जब इम्तियाजी निशिस्त नहीं है फिर भी बैठे हुए में सबसे बुलंद नजर आते हैं। अल्लाह की दी हुई बुजुर्गी है। तवाज़ो देखिए, आप तवाज़ो कर रहे हैं अल्लाह और बुजुर्गी कर रहे हैं। और उसी बुजुर्गी में एक दुआ है अजान के बाद की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आपको तालीम फरमाए, तुम मेरे लिए दुआ किया करो। अल्लाह अकबर। हम जो अजान के बाद की दुआ पढ़ रहे हैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वादा फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम से कि मैं अपने बंदों में से एक बंदे को आखिरत में मकाम महमूद अता फरमाऊंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे अता फरमाए, तो तुम दुआ क्या करो अजान के बाद, उसको कहते हैं दुआ वसीला। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तमाम बुजुर्गी मजीद बुजुर्गी, अगरचे आपको इसकी जरूरत नहीं लेकिन अल्लाह ने आप ही को देनी है। अब दुआ तो कर रहे हैं बुजुर्ग के लिए, दरख्वास्त तो नायब नहीं जाएगी। अल्लाह हमें बहुत ही ज्यादा कुर्ब नसीब फरमा दे अपने रसूल से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तवाज़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम की तवाज़ो में ये भी आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि भाई मुझे जब मेरी कोई फजीलत बयान करो तो हद से बाहर नहीं निकाल देता, के अंदर अगर हद से बाहर निकालोगे तो इस बात का खतरा है लोग मुझे खुदा बना देंगे, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया लोगों, किसी ने कहा खुदा का बेटा है, उन्होंने कहा नहीं खुद ही खुदा है। ऐसा मत करो, तवाज़ो है ना। और यह भी बता दिया कि हद से बाहर निकालोगे खराबी आ जाएगी तुम्हारे,
अकायद खराब हो जाएंगे, ईमान मर्द हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की तवाज़ो है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा मेरी फजीलत बयान करके उनसे ऊंचा, हालांकि तो आप तो ऊंचे हैं, आपकी फजीलत तो सबसे ज्यादा है। अरे भाई जब सारी मखलूकात में ऊंचे चले गए क्या रह गया, लेकिन आपकी तवाज़ो फरमान ऐसा ना। एक सहाबी ने कहा या सय्यदी, ए मेरे सरदार, हकीकतन सरदार हैं आप, लेकिन आपकी तवाज़ो है, आप फरमाते हैं मुझे सरदार मत करो, सय्यदुल्लाह अल्लाह सरदार है, हम उसके गुलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तवाज़ो है, खाना खाते हैं उबड़ उबड़ के खाते हैं, और फरमाते हैं इन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसका रसूल हूं, मैं खाना इस तरह खाता हूं जैसे एक गुलाम, मैं अल्लाह का गुलाम हूं उसका बंदा हूं। लेकिन उन बंदों में से अल्लाह ने मुझे ये इज्जत अता फरमाई कि अपना रसूल बना दिया, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है, अल्लाह ने ये फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। देखिए कितनी तवाज़ो, की तवाज़ो क्यों है, ये इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खैरें अता फरमाई, तो जितनी खैर मिली उतनी तवाज़ो आ रही है, हमें और आपको भी जितनी खैर मिलेगी उतनी तवाज़ो। हमारे खैर की सिफत है कि जिसके अंदर खैर जाएगी उसके अंदर तवाज़ो पैदा होगा, गुरूर तकब्बुर नहीं आएगा, और गुरूर तकब्बुर तब नहीं आएगा जब के अल्लाह वाले ये दो ही चीजें बताई जा रही हैं, इल्म और अखलाक। सोहबत क्या चीज है, मैंने अभी अर्ज किया ना, किसी अल्लाह वाले के पास बैठे अल्लाह वाला आपसे बात भी ना करे, अपने ही जिक्र में लगा रहे, 10 मिनट बैठ के चले जाए, थोड़ा सा असर महसूस होता है कि कुछ मिला है मुझे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर देखिए, आपने सुना होगा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक वक्त वो था कि मुसलमान नहीं थे, और जब मुसलमान नहीं थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बदतरीन दुश्मन थे। सीरत में पढ़ा होगा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की सीरत में आता है कि दारुल नदवा में मुशरिकीन मक्का का उनकी एक मीटिंग हो रही, इजलास हुआ, और ये बात इस पर गौर किया गया कि मोहम्मद जो शख्स है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, जब से इसने नबूवत का दावा किया है हर घर में इत्तेहाद खत्म हो गया, कोई इधर से मुसलमान हो रहा है, कोई उस घर में मुसलमान हो रहा है, कोई वहां मुसलमान हो रहा है, इनकी बात सुनता है और बात सुनते ही इनका हो जाता है, तो कोई है जो मशवरा दे क्या किया जाए। बहुत सारे मशवरे हुए, उसमें से एक ये था कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे, 100 ऊंट जिसकी कीमत लाखों में बनती है, लाखों में। ये फारूक आजम भी मौजूद है, उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए, उनका मैं करूंगा, आप देखिए कितनी दुश्मनी थी। और जब ये उस इजलास से उस मजलिस से निकले हैं रास्ते में जा गुस्से पे, एक सहाबी मेरे मुसलमान कहने का उमर क्या बात है बड़े गुस्से में हो, कहने का भला बताओ गुस्सा नहीं आएगा, इस मोहम्मद की वजह से अफरा तफरी हो रही है अल्लाह से, तो आज मैंने फैसला किया आज इनको मैं कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा तुमने अपने घर की मगर ली है, मेरे घर को क्या हो गया, तुम्हारी बहन मुसलमान है, साईद इब्न अल-आस जो तुम्हारे बहनों ही हैं मुसलमान हो गए, रज़ी अल्लाह ताला, ये उधर जाने के बजाय उधर चले, दरवाजा बंद घर का, अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही है, एक मुअल्लिम उनके पास आता है, वो जितना कुरान थोड़ा सा नाजिल होता है उनको याद कराता चला जाता है, इन्होंने दरवाजा खोला है,
बैग में अंदर सब चीजें समेटी, मॉलिंग को छुपाया, दरवाजा खोला, इन्होंने आओ देखा ना आओ देखा, एक तमाशा लगाया बहन के, क्या पढ़ना है तुम? मैं कुछ नहीं पढ़ा, नहीं कुछ तो पढ़ना था, मेरे कान में आवाज आ रही थी। इन्होंने अपने बहनों को मारा, बहन दरमियान में आई, इतना मारा कि लहू लुहान हो गई, खून आलूद हो गई, जब खून देखा तो थोड़ा पीछे ये क्या हुआ। अच्छा फिर कहने लगे कि दिखाओ क्या पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, अब तो हम मुसलमान हो चुके हैं, इसको अगर देख और कुरान मजीद की ये सूरत नहीं है जैसे हम आराम एक दिन में पढ़ते हैं, अभी तो कुरान पूरा नाजिल भी नहीं हुआ, कुरान मजीद की कोई आयत किसी चमड़े पर लिखी हुई है, किसी कपड़े पर लिखी हुई है, कोई बड़ी हट्टी मिल गई उस पर लिखी हुई है, इस तरह कोई इतना तरक्की याफ्ता दौर तो नहीं था। उन्होंने कहा ये देखने के लिए तो गुसल करना पड़ेगा, गुसल किया, गुसल करके वहां मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। कितने आदमी पहले मुसलमान हुए? हजरत उमर से पहले 13 आदमी, 14 ये आप देखिए कितनी सी जमात है। ये हजरत उमर जब वहां गए हुजूर अलैहि सलाम की मस्जिद में पहुंचे तो हुजूर अलैहि सलाम ने इनके जो ऊपर का कपड़ा था उसका दामन को झटकाया, उमर तब तक कुफर की जुल्मत में रहोगे, बस इतनी सी बात है ना, ये सोहबत मिली कितनी सी। कहने लगे या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। सोहबत ही तो थी, कितनी देर की थी? 4 मिनट की। उस सोहबत ने गायब पलट दी सारी, कहां के इतने सख्त तरीन दुश्मन थे कि गर्दन काटने के लिए आए, कहां उसी के हो गए। ये सोहबत है, सोहबत के असरात थी, इसलिए उस्ताद भी ऐसा हो शेख भी ऐसा हो कि जिसके पास बैठकर अल्लाह वाला ऐसा हो, जिसके पास बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू हो जाए, यही तो है इल्म और अखलाक। बाकी इंशाअल्लाह आइंदे भी मैं अर्ज किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सबको यकीन कामिल अता फरमाए। वाखिर दावाना
اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصن كلامه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام ومن ثم أمر به وفرض عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بحجاب من النار وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحان وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم
ارحم امتي بامتي ابو بكر في امر الله رحمة واصدقهم حياء اسمهم الله عليم وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وحمزة اسد الله واسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة اجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. मोबाइल फोन बंद कर दीजिए।